हेलो लेप्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 24th ऑफ मई से लेके 30th ऑफ मई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में इस वीक में। मैसेजेस फॉर लेप्रा। The Chariot, King of Cups, Eight of Wands, The Lovers, and the Temperance. Okay. So, हमारे पास है The Lovers. The Lovers के साथ लगता है जैसे कि ये वीक आप लोगों के लिए काफी रोमांटिक होने वाला है। इतना रोमांटिक जितना कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। लाइक हो सकता है इस पर्सन ने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपसे छुपा के रखी हुई हो, एंड इस पर्सन को अभी तक जरूरत नहीं महसूस हो रही थी आगे बढ़ने की या कुछ कहने की। बट अभी ये पर्सन और वेट नहीं करना चाहता, स्पेशली अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स देख रही हूँ। तो मोस्ट पॉसिबली आप में से बहुत सारे लोग लिब्रा एक नए रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ये एक नई ब्यूटीफुल जर्नी की शुरुआत है, एंड ये पर्सन आपसे बहुत अट्रैक्टेड है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके जैसा और कोई हो नहीं सकता उनके लिए। ऑफकोर्स यहाँ पे किंग ऑफ कप्स है, तो शायद ये पर्सन आपसे काफी डिफरेंट हो सकता है। सरफेस पे देखने से आपको लगेगा कि ये बहुत मैच्योर है, बहुत ज्यादा समझदार है, और आप में शायद दिलचस्पी बहुत ज्यादा ओपनली अभी तक नहीं दिखा रहे थे। अपनी एक्साइटमेंट को इन्होंने छुपा रखा था। बट द थिंग इज कि अब ये पर्सन और वेट नहीं करेगा। ये पर्सन जानता है कि आप उनका इतना इंतजार नहीं करने वाले। आप ऑलरेडी बहुत इंतजार कर चुके हैं, और अब अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगे तो हो सकता है आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और इस चीज का डर इन्हें डेफिनेटली कुछ बदलाव लाने के लिए मजबूर करेगा। उसी की वजह से यहाँ टेम्परेंस भी है। तो टेम्परेंस के साथ आप अपने रिलेशनशिप के नेक्स्ट फेज में एंटर करने वाले हैं। ये फेज बहुत एक्साइटिंग होगा, ये फेज बहुत ही मेमोरेबल होगा, कुछ ऐसा जैसे आप हमेशा याद रखें। तो ये वीक आपके लव लाइफ में एक नई एक्साइटमेंट लेके आ रहा है। ऑल्सो चूंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, सो पॉसिबली आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो शायद अभी अभी किसी से ब्रेकअप करके आगे बढ़ा है, या पॉसिबली ये किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जहां ये खुश नहीं है, या वो रिलेशनशिप इन्हें परफेक्ट नहीं लग रहा था। एंड आपके मिलने के बाद अब इस पर्सन को लगता है कि उन्हें राइट पर्सन मिल गया है। ऑल्सो हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो जिसके पास एक फैमिली है, जिसके पास बहुत कुछ है गवाने को। इस पर्सन को लग रहा है डर आपके क्लोज आने से। लिब्रा थोड़ा बहुत ये पर्सन सोच रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिसकी वजह से वो सबके नजरों में बुरे बन जाए, या फिर उन्हें कोई त्रस्त ना करे। उन्हें लगता है जैसे उन्हें बहुत सोच समझ के फैसले लेने की जरूरत है। इनकेस ऐसा कुछ नहीं है आपकी सिचुएशन में, तो किंग ऑफ कप्स हो सकता है इनके अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में जो इनके लिए इतने इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें किसके साथ रिलेशनशिप में होना चाहिए। इसमें भी दूसरे लोगों का इंटरफेरेंस है। दूसरे लोग उन्हें बता रहे हैं कि उनके लिए कौन सा रिलेशनशिप अच्छा है, कौन सा नहीं। तो ये पर्सन ऑब्वियसली हमेशा उन बाउंड्रीज के अंदर ही रहता आया, अपने कम्फर्ट जोन में ही रहता आया है, और इनके लिए आगे बढ़ना एक चैलेंज है। इनके लिए कुछ भी डिसाइड कर पाना एक चैलेंज है। बट एट द सेम टाइम इस पर्सन को ये लगता है कि अगर उन्हें आपका साथ चाहिए, अगर उन्हें आपका ये प्यार चाहिए, तो उन्हें ऑब्वियसली कोई ना कोई इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे कि आप वहां पर रुकें। ऑल्सो द चैरियट का कार्ड है, आई थिंक आपके लिए कुछ चीजें प्रॉब्लम बन सकती है। आप अगेन सोचने लगेंगे कि ये पर्सन कितना रिलायबल है, क्या ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएगा, क्या ये पर्सन कुछ ऐसा करेगा जो जरूरी है इस रिलेशनशिप के लिए, कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस, कुछ ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस।
ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे बहुत कुछ इन्वॉल्व्ड है और इस पर्सन को लगता है कि वो बहुत कुछ लूज कर सकते हैं। अगर वो इस रिलेशनशिप को आगे ले जाना चाहते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सेक्रिफाइस करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम ये लवर्स वाला कनेक्शन उन्हें अपनी तरफ खींच रहा है। इस लवर्स वाले कनेक्शन में जो अट्रैक्शन है इसे ये पर्सन इग्नोर नहीं कर पा रहा। इसमें जो एक्साइटमेंट है, इसमें जो खुशियाँ है, वो इस पर्सन को चाहिए। एंड ये ऑल्सो इस बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या वो कुछ बदल सकते हैं। टेम्परेंस के कार्ड के साथ ये पर्सन हालांकि अभी श्योर नहीं है, ये सिर्फ एक डायलेमा से गुजर रहे हैं और चेंजेस के बारे में सोच रहे हैं। बट इन्होंने अभी अपना माइंड मेकअप नहीं किया है, उन्हें ये करना ही करना है या नहीं करना है। आपको कमिटमेंट देना ही देना है, आपके साथ फ्यूचर स्पेंड करना ही करना है, आपसे शादी करनी ही करनी है, ऐसा इन्होंने कुछ डिसाइड किया नहीं है। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन आपका अटेंशन चाहेगा, आपका प्यार चाहेगा, क्योंकि उनके लिए ये बहुत सारी खुशियां लेके आता है। तो ये पर्सन देखा जाए तो थोड़ा सा सेल्फिश हो रहा है यहाँ पे। वो अभी तक ये तो डिसाइड कर नहीं पाए हैं कि वो एग्जैक्टली करेंगे क्या, बट आपके पास ये पर्सन आना चाहेगा, चाहेगा कि वो ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करें, बिकॉज यहाँ पे जो एक्साइटमेंट है वो उनकी लाइफ में और किसी जगह से उन्हें नहीं मिल सकती। ओके, तो ऑफकोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो हमारे पास है टू ऑफ कप्स। ये पर्सन आपको अपने क्लोज चाहता है। इस पर्सन के लिए आप एक बहुत जरूरी इंसान है। आप इनके लिए इस वक्त एक सपोर्ट बन गए हैं, आप इस वक्त उनके लिए वो खुशी बन गए हैं जो ये पर्सन हमेशा से ढूंढ रहा था। ये पर्सन एक्चुअली ये फील कर रहा है जैसे कि वो सही पर्सन से गलत वक्त पे मिले हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि इसका आखिर वो अब करे तो क्या करे। एस ऑफ पेंटिकल्स के साथ लिब्रा, लगता है जैसे ये पर्सन ये महसूस कर रहा है कि उनके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास ही रहना चाहिए। इस पर्सन को लगता है कि आप ये ब्लेसिंग है जो उनके लिए ही बनी है और वो आपको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, आपको जाने नहीं दे सकते। दूसरी तरफ इस पर्सन को लगता है कि उनके पास कोई रास्ता भी नहीं है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन वेट कर रहा है और सोच रहा है कि शायद कुछ बदल जाए। वो आपके लिए अपनी फीलिंग्स को भूलना चाहते हैं, बट अगेन लेट गो करना उनके बस का नहीं है। ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि वो स्टक है और कुछ भी उनके फेवर में काम नहीं कर रहा। ऑल्सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि वो आपको जितनी जल्दी हो सके ये भरोसा दिलाए कि वो आपके लिए ही बने हैं और आपके वजह से ही ये जो लाइफ है वो परफेक्ट है उनकी। आई थिंक ये पर्सन चाहेगा कि आप उनके क्लोज आए। ये पर्सन डेफिनेटली इस रोमांस को मिस नहीं करना चाहता द लवर्स के साथ। बट देन अगेन आपको बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने से पहले, बिकॉज आप जो कमिटमेंट ढूंढ रहे हैं वो कमिटमेंट जो हमेशा के लिए वर्क करे, जो हमेशा आपको सिक्योर रखे या आपको एक प्रॉमिस दे स्टेबल फ्यूचर का, वो मुझे इस वीक में नहीं दिखाई दे रहा। इस वीक में आपको जो कमिटमेंट मिलेंगे वो सिर्फ शायद टेम्प्रोरी हो, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए अनटिल एंड अनलेस आप कुछ बहुत क्लियरली जानते हो, बिकॉज ऑफकोर्स ये एक जर्नल रीडिंग है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि इनका कमिटमेंट ट्रस्टेबल नहीं है तो वेट कीजिए कुछ। ओके, स्पेशली अगर आप इस तरह की सिचुएशन में, किंग ऑफ कप्स वाली। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। स्कूल,
The answer that you are seeking involves going to school. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि शायद आपके पास्ट में ही कुछ छुपा हुआ है, वो जवाब जो आपको चाहिए. स्कूल जाने का मतलब है कि जो कुछ भी पास्ट में आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखा है, क्योंकि हम स्कूल में लर्न करते हैं, तो वही चीज यहाँ पे आपको रिमाइंड कराई जा रही है कि जो कुछ भी आपने सीखा है अपने पास्ट में, उससे आपको जरूर हेल्प मिलेगी इस वक्त को हैंडल करने में. ओके, आप एक बैलेंस क्रिएट कर पाएंगे. तो ये है रीडिंग इस वीक की. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय.